देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में, आज हम आपके साथ अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में अगेन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होगा, हमने अपनी लास्ट संडे की क्लास में, जो आपकी 19 तारीख को थी, हमने आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा था। और देखिए, आज उसको 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन को, और मेरे रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर मेरा जीएसटी नंबर जो मैंने अप्लाई किया था वो आ चुका है। तो अगर आप लोग भी सही से अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो आपका within 3 days के अंदर अंदर आपको अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जब आपको पहली बार जीएसटी नंबर मिले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको लॉगिन करें तो किस तरीके से करेंगे। तो आप सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब पर, और यहाँ पर डाउन लिखेंगे gst.gv.in। इस पर जाएंगे, इस पे जाने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से जब फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका नाम नहीं पूछेगा, अब आपकी प्रोविजनल आईडी पूछेगा, आपका अगर जीएसटी नंबर होगा तो वो पूछेगा, वगैरह वगैरह को पूछे ना, प्रोविजनल आईडी, जीएसटी नंबर और यूएनआई नंबर। अब तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ से अपना ये जो जीएसटी नंबर आया है इसको कॉपी कर दें और वहां जाकर यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड आया है उसे भी कॉपी करें और वहां जाके इसे पेस्ट कर दें। ये वन टाइम पासवर्ड होता है और इसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। दोबारा पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। मैंने मिटा दिया और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया। वी नहीं हो रहा, आई थिंक यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करता, तो मैं टाइप कर देता हूँ। ए है, ए एफ, उसके बाद है 9 8, इसके बाद है हमारे पास बी सी सी, तो यहाँ बी सी सी एंड आपके बाद है 3 9 8, मान लीजिए 3 9 8, उसके बाद जो भी हमारा होगा वो टाइप करेंगे और 9 7। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टाइम लॉगिन था तो ये चेक हो गया। ये चेक हो जाने के बाद अब आपसे अपना क्या यूजर नेम रखना पसंद करोगे ये आपको बोल रहा है। तो मैंने कहा मेरा यूजर नेम रहेगा साई ट्रेडर, साई ट्रेडर और 01, ये मैंने यूजर नेम डाल दिया। उसके बाद मेरा पासवर्ड रहेगा, जो मुझे पासवर्ड रखना है मैं वो पासवर्ड रख सकता हूँ, मैंने पासवर्ड रख दिया यहाँ पर। जब आप पासवर्ड रखोगे तो पहला अल्फा होना चाहिए, या आप जो भी रखना चाहें, मतलब उसमें एक अल्फा होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर का होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने यहाँ से वो पासवर्ड डिसाइड करके रख दिया और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या हो गया, सक्सेसफुली बन गया। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करते और अगर कोई यूजर नेम ऑलरेडी बना होता तो आगे प्रोसीड नहीं करता। तो आप जब भी यूजर नेम डालें तो कोशिश करें यूनिक डालें, और ये एक ही बार बनता है, आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। अब इसे लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ साई पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इसे लॉगिन कर दूंगा। तो देखिए, जैसे ही लॉगिन होगा फर्स्ट टाइम, अब यहाँ जिसके नाम से लॉगिन था उसका नाम आ गया गोड़ा वडोड़ा, ठीक है, और अभी कह रहा है कि अपना बैंक अपडेट करें, क्योंकि आपको पता है जब जीएसटी नंबर चाहिए होता है तो बैंक की डिटेल नहीं चाहिए होती, लेकिन उसके 45 डेज बाद हमें क्या चाहिए होता है, बैंक की डिटेल चाहिए होती है,
रूल अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है, अब यहाँ आ जाएं तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज उसका जीएसटी नंबर अप्लाई हो गया और यहाँ पर हेलो इसका फाइनेंशियल ईयर भी शो होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने हेलो आपके बारे में बताया कि जी आप किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। यस मैम।